तो चलिए भैया, स्वागत 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 है आपका आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चाणक्य लर्न स्टडी पर। मैं ऋषभ वर्मा लेकर आ गया हूँ एक और धुआंधार धमाकेदार वीडियो एएमयू बीएससी बीटेक 2023 के लिए। तो सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। तो ये वीडियो सर किस लिए होने वाली है? वीडियो का टाइटल अगर आपने देख लिया है तो भैया एएमयू बीएससी बीटेक पीरियोडिक टेबल पीवाईक्यूज, तो उसी पीवाईक्यू सीरीज को आज हम लोग कराने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको कुछ ना कुछ आपका भला ही होगा वीडियो के साथ। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपको एएमयू बीटेक में क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या वजह है और क्या फायदे हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए भैया आप इस कोचिंग के नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए कंटेंट की नहीं होने वाली, ये वीडियो आपके लिए भैया पीवाईक्यू सीरीज की होने वाली है। क्योंकि बच्चे हमारे पास डिमांड करते हैं कि सर आप ऐप पर पढ़ाते हैं अपने एएमयू बीएससी बीटेक के लिए, तो हमें कैसे पता चलेगा आप कैसे पढ़ाते हैं? ये एक वीडियो उसके लिए भी है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को ये पता चलता है कि भैया कोचिंग संस्था काम किस तरह से करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई एक चैप्टर पढ़ाते हैं वो जीरो से हीरो होता है भैया, जहां पर आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारी चीजें बताई जाती हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस किस पैटर्न से क्वेश्चन एएमयू ने पिक किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तो सिर्फ एक एग्जाम के लिए, मान लीजिए आप एएमयू बीटेक के लिए पढ़ रहे हैं, हम जब पढ़ा रहे होते हैं भैया तो बच्चे को एएमयू बीटेक, बीएससी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स, ऑनर्स के एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम्स के भैया पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो कहीं बाहर से जाने वाली नहीं है। और जब कंटेंट बच्चे को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसके अंदर भैया कंटेंट होता है, जो भी इससे रेलेवेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी कंटेंट पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम उसके अंदर बताते हैं बच्चे को। तो बहुत सारी चीजें होती हैं भैया। तो बच्चे कहते हैं सर कैसे पढ़ाते हो, तो बच्चों को बताना पड़ता है कि देखो हम कैसे कैसे पढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना, क्षमताएं बतानी पड़ती हैं, तो सारी चीजें बतानी पड़ती हैं कि भैया हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को अपने कंटेंट के अंदर, के कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन ही रहा है बार बार लंबे समय से, वो सारी चीजें इसके अंदर बतानी पड़ती हैं, है ना। और इन सबको बताने के तत्पश्चात आप देख पा रहे हैं भैया ये सारी वो स्लाइड्स होती हैं जिनको हम लोग भैया पढ़ाते हैं, ठीक है, और बच्चों को कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये सारा सा सुंदर आप देख पा रहे हैं सारी चीजें कि किस तरह का कंटेंट हमारा रहता है चीजों को लेकर, ठीक है, बाइलिंगुअल चीजों को लेकर सारी चीजें, ठीक है। तो बताना पड़ता है भैया, बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं। कोई बात नहीं, अगर भैया आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और अगर आपको लगता है कि ये सही समय है, क्यों, मैं आपको एक बताता हूँ कि क्यों ये सही समय है अभी जुड़ने का। उसकी वजह यह है भैया कि मेरे दोस्त अभी हमारे पास एक भरपूर समय है जहां पर आप सारी चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि अब सर एक काम करेंगे हम लोग, तो भैया जेई का अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद पहले खुद को चेक करेंगे, उसके बाद आएंगे, सर आपकी मर्जी है। लेकिन भैया कहीं ऐसा ना हो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, आप अपनी क्षमताओं को पहचाने कि आपकी क्षमताएं कहाँ हैं, ठीक है ना भैया। तो मछली पानी में तैरती है और बहुत तेज तैरती है, लेकिन अगर आप उसे पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे ना भैया तो समस्या है। तो आप अपने कैलिबर को पहचाने, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, और बात करते हैं यहाँ की। तो भैया सबसे पहले मेन मुद्दा है कि मैं आपको कुछ ग्लिम्स, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजें बताता हूँ एमबी बीटेक के बारे में, कैसे चीजें रहती हैं एमबीबीएससी के बारे में, कैसी चीजें रहती हैं पीवाईक्यू, उसके माध्यम से हम पता करते हैं। लेकिन अगर आपको भैया किसी भी तरह का मन में कोई सवाल बवाल है और जानकारी आप चाहते हैं कि सर कैसे क्रैक होगा, हाउ टू क्रैक, कोचिंग के नंबर पर आप कॉल करें या फिर हमारा भैया छोटा सा ऐप है चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। लिंक कहाँ से मिलेगा सर? इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, एक एरो बना होगा, इस पर क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा। कोचिंग का आपको नंबर पता है भैया, उस पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो भैया हमारी होने वाली है किसके ऊपर बेस्ड? पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर बेस्ड। कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, कहीं भी किसी माध्यम से पढ़ा हुआ है, अब आप अपनी क्षमताओं को चेक करें, ठीक है, और आए शुभारंभ करते हैं भैया इस बात को लेकर हम लोग, आइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारी पर्सनल आंखों के सामने ये आपको देखने को मिला कुछ ऐसा, कैसा सर? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का सही क्रम क्या होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट इधर मेटल होते हैं भैया, इधर नॉन मेटल होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर कि लेफ्ट टू राइट अगर नॉन मेटलिक करेक्टर पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज करती है।
तो एसिडिक नेचर भी भैया क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? मोस्ट ऑफ दी जनरली मोस्ट ऑफ दी जो नॉन मेटल कंपाउंड है भैया वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो नॉन मेटल कंपाउंड है एसिडिक इन नेचर, लाइक H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl, HF, HBr, ये सब भैया एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अब इनमें से क्या है, आप देखो कौन कौन से एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो पोटेशियम, ठीक है, एक मैग्नीशियम, एक उसके बाद कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद भैया कौन है यहाँ पर, आप देखो आपको दिखाई कौन दे रहा है, इसके बाद कार्बन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उठा लो भैया, इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, जो सबसे इधर की तरफ रखा हुआ वो है क्लोरीन, ठीक है। ओके, यहां तक होती बात ओके। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, डी वाला। क्यों? क्योंकि क्लोरीन सबसे अच्छा नॉन मेटल, इनमें से सबसे अच्छा नॉन मेटल है, तो उसके जो ऑक्साइड होंगे भैया वो कैसे होंगे, वो होंगे मेरे दोस्त एसिडिक इन नेचर। तो डी वाला ऑप्शन होता है करेक्ट, ठीक है सब। डन 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 डन, बढ़ते हैं हम लोग सर अगली बात की तरफ, अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, आप लोग देखें वीडियो को, क्योंकि ये क्लास हमारे भैया बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और आप भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है भैया। ऐप पर भी चल रही है हमारे क्लास ये, और ये यूट्यूब पर आपको डेमो के तौर पर प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके सर, जानने की कोशिश करते हैं भैया, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें भैया, या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भैया, बढ़ती है इधर मेटल, इधर भैया नॉन मेटल मेरे दोस्त, सही बात है। और टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भैया, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की चाहत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाहत, ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं भैया, वो भी कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही है। अब आते हैं अगली बात पे, तो सर इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, इसका मतलब सर सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की मेरे दोस्त, ठीक है, ये होना चाहिए सही क्रम। लेकिन हमें पता है कि यहाँ भैया एक्सेप्शन पाया जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सही क्रम कौन सा है, ये वाला सही क्रम है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा भैया, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, ओके चलेगा। एएमयू बीटेक 2003 का है ये क्वेश्चन। अगला मुद्दा भैया, अगला मुद्दा क्या है, द एलिमेंट हूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है और वो आपसे पूछ रहा है भैया कि वो कौन सी चीज होगी, एलिमेंट कौन होगा, क्या मेटलॉइड्स होगा, धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु, नोबल गैसेस मतलब भैया अक्रिय गैसेस, वो कौन होने वाला है। सीधा सिंपल सा फंडा, डायरेक्ट ट्रिक, देखो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 और 2 और 6 10 और 2 12, भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, इसका मतलब भैया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल मेरे दोस्त, सही बात है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम इज अ मेटल। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी भैया, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बाई चांस ये ऐसे कर देते हैं, 12 हो गया Mg, मैग्नीशियम भैया इज अ मेटल, ठीक है। ओके सर, ठीक है भैया, चलिएगा अब हम आते हैं अगली बात की तरफ। अगला क्वेश्चन आया भैया एएमयू बीटेक 2007 में, वो क्वेश्चन में कह रहा है द मेटलिक करेक्टर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और भैया सिलिकॉन, ठीक है। अब जरा इसका बेसिक करते हैं हम लोग, देखो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो इधर मेटल, इधर है भैया नॉन मेटल, सही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटलिक प्रॉपर्टी भैया क्या होती है, मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है, मेल्टिंग पॉइंट मत समझना, मेटलिक प्रॉपर्टी है भैया। टॉप टू बॉटम मेटलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है, सही बात है। अब जरा देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, इधर ये सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है इसमें, ठीक है, और कौन है भैया, बेरिलियम, ओके, उसके बाद कौन है भैया, सिलिकन, 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 और फिर उसके बाद फॉस्फोरस। तो सीधा सिद्धांत है भैया, सबसे उल्टे हाथ पे कौन रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन रखा है, सोडियम। तो सबसे अच्छा मेटलिक प्रॉपर्टी किसका होगा भैया, सोडियम का, सबसे अच्छा मेटलिक प्रॉपर्टी किसका होगा, सोडियम का होगा मेरे दोस्त, सही बात है।
तो सबसे अच्छा मेटल कौन है? सोडियम। देखो सबसे बढ़िया सोडियम, इन दोनों में बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम देखो बढ़ता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ना। तो देखो इन दोनों में कौन अच्छा मेटल? मैग्नीशियम, फिर किसका? बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ। अगला क्वेश्चन भैया आया आपके लिए, एएमयू बीटेक 2009 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं भैया किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इसे चंद सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन आपको एक जबरदस्त एनालिसिस की जरूरत है एएमयू बीटेक के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को होल्ड करें और जरा देखें कि आप इसको कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपकी क्षमता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो एएमयू बीएससी बीटेक में क्या हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, क्या एनालिसिस बच्चे को बताते हैं, किस तरह का कंटेंट होता है, कैसी चीजें सारी इसके अंदर रहती हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इफ डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस इन, ठीक है। अगर एलिमेंट भैया 117 एटॉमिक नंबर वाला डिस्कवर्ड होगा तो वो प्लेस कहाँ होगा? नोबल गैसेस 18 ग्रुप में, एल्कली मेटल एल्कली फैमिली, फर्स्ट ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, सेकंड ग्रुप और भैया हेलोजन फैमिली, मतलब कि 17th ग्रुप मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आपने बताना है, आप कितनी देर में बता पाते हैं, दैट इज अ वेरी गुड मुद्दा, ये है भैया बड़ी बात, ठीक है। और इसका आंसर आप जरूर बताएं कि सर हमने जो क्वेश्चन नंबर था आपका 69, उसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिएगा। अब मैं इसके ना दो रास्ते बताता हूँ आपको, एक थोड़ा सा लेंदी रास्ता है और एक भैया मेरे पास एक छोटू सी निंजा टेक्निक है, डिंग 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 करके हम क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। किसी भी कम्पिटिटिव क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो मैं आपको बताता हूँ अकेडमिक में और कम्पिटिटिव में क्या अप्रोच में डिफरेंस होता है। अकेडमिक में आप पूछते हैं क्यों सर ये क्यों हो रहा है, कम्पिटिटिव में आप पूछते हैं सर ये जल्दी कैसे होगा, दैट इज अ मुद्दा, ये है भैया पॉइंट की बात। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को टफ उसके ऑप्शन बनाते हैं और आसान भी उसके ऑप्शन ही बनाते हैं, ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, दिमाग भी लगाना पड़ता है और आपको स्ट्रेटेजी भी चाहिए कि किसी एंट्रेंस एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है तो कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपके घर में भैया कोई आईएएस पीसीएस है तो आपको वो जल्दी आईएएस पीसीएस बना देंगे। इसी तरह से हर एक चीज की गाइडेंस चाहिए होती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी, और इसको दो रास्तों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला रास्ता भैया 117, तो मैंने भैया एक लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो पढ़ाई हुई है, उसका लिंक आपको अगर चाहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीवाईक्यूज, अन्यथा आप प्लेलिस्ट में जाएं आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। उसकी ट्रिक मैंने बताई है एटॉमिक नंबर 117, इसकी ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने की। सब्जी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी, आइएगा भी अलीगढ़ में तो आपको हर एक चौराहे पर भैया पूरी सब्जी मिलेगी सुबह का नाश्ता। सब्जी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी, दही पूरी सब्जी दही पूरी सब्जी, अलीगढ़ की भैया एएमयू की फेमस दही पूरी सब्जी, फेमस दही पूरी सब्जी। एएमयू के पास तक चले जाइए तो भी आपको भैया दही पूरी सब्जी देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। ओके बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, ठीक है। तो जरा देखो पहले हम लोग बेसिक से जाते हैं, पहले तो हमने क्या करा सीरियल लिख लिया, सब्जी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी, दही पूरी सब्जी दही पूरी सब्जी, फेमस दही पूरी सब्जी फेमस दही पूरी सब्जी। ओके मेरे दोस्त, अब हम आते हैं अगली बात पे। देखो एस और बैटल की शुरुआत भैया 1 से होती है, पी की शुरुआत 2 से होती है, डी की शुरुआत 3 से होती है, एफ की शुरुआत 4 से होती है, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भर दिया सर। अब जरा पी की शुरुआत देखो, पी की शुरुआत कितने हैं? 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 और भैया 7। डी की शुरुआत सर 3 से, 3, 4, 5, 6। एफ की शुरुआत सर 4 से, तो 4 और भैया 5 मेरे दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ, ठीक है। तो कनीस फातिमा जी का आंसर आ चुका है, जो आपने तरीका लगाया वो बिल्कुल सही है, हम वहां तक भी पहुंचेंगे भैया, उस ट्रिक तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ट्रिक एंड टेक्निक जल्दी लगाएंगे, कोई बात नहीं, बेसिक बताने दीजिए पहले।
अब 117 भरने सर इलेक्ट्रॉन, तो दो यहां, छह दो, फिर छह फिर दो। बताने की कोशिश कर सकता हूं, एस ऑर्बिटल में भैया दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में छह इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे दोस्त, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग भरने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 2 6, 2 6, और भैया यहाँ पर फिर से 2, यहाँ पर फिर से 10 6, फिर 2, फिर 10, फिर 6, फिर से 2, फिर 14, और 10, फिर 6, और फिर 2। अब जरा काउंट कर लेते हैं सर। तो देखो भैया, 2 2 4 और 6 10 12, 6 18, 2 20, 30 36, 38 48, 54, 56, 56, और 14 कितने हो गए भैया, 70, 70, 80, 86, 86 और 2, 86 और 2, 88, 88 और 14 कितने हो गए, 88 और 14, 102, 102 और 10, 102 और 10 कितने होते हैं भैया, 102 और 10 होते हैं 112, 112 और 5, 17, सही बात है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है भैया, पी ऑर्बिटल में, तो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, सही बात है। ग्रुप निकालने की से ट्रिक क्या है, अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट एनपी ऑर्बिटल, इन हाईएस्ट एनपी ऑर्बिटल, सही है भैया। तो ग्रुप कैसे पता करते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनपी ऑर्बिटल, ठीक है, सबसे बड़ी एनपी, क्योंकि पी ब्लॉक की शुरुआत 12 के बाद से होती है, 13 से शुरुआत होती है, बोरोन 13 ग्रुप मेंबर है, पी ब्लॉक वहां से शुरू होता है। तो सर क्या हो गया, हाईएस्ट एनपी कौन सी है, देखो 6p और 7p, 7p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 12 और 5 कितने हो गए भैया, 17, 12 प्लस 5 कितने हो गए, 17 मेरे दोस्त, 12 प्लस 5 कितने हो गए, 17, यहां लिख देता हूं मैं, तो इसका मतलब भैया 12 प्लस 5 कितने हो गए, 17, तो इसका मतलब ये 17 ग्रुप का मेंबर है। ये तो सर बेसिक हो गया, इसका लेंथी प्रोसेस है, बेसिक हो गया इसका। अब भैया धुआं धुआं थेनोस की तरह चुटकियां बजाते ही है ना, आओ भैया अब देखो, सीधा सिद्धांत है भैया, एक होता है मैजिक नंबर, ठीक है, एक होते हैं आपके मैजिक नंबर, ठीक है, 2 8 8 18 18 32 32, सर मैजिक नंबर होते क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट, फिर 8, फिर 8, 18, 18, 32, 32, सही है भैया। किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं वो कौन बताता है, मैजिक नंबर बताता है मुझे, ठीक है। अब जरा समझो, उसने नोबल गैस की बात की है ना, हीना नीना और करीना, भैया दे आर सेलिब्रिटी, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा एक्सरे निकलवाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, हीना नीना और करीना कहा लगे इसमें से, एक्सरे रंगीन, एक्सरे भैया कैसा होता है, रंगीन होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है, 2, इसमें कितना जोड़ूं सर, इसमें कितना जोड़ूं, देखो 2 जोड़ने से बात बनेगी नहीं, क्यों, हीलियम में 2 जोड़ा तो एटॉमिक नंबर 4 बनेगा, नहीं है, 8 जोड़ा सर, 8 जोड़ा तो 10, इसमें फिर से 8 जोड़ा तो 18, फिर से इसमें 18 जोड़ा कितना हो गया भैया, 36, फिर इसमें 18 जोड़ा कितना हो गया, 54, प्लस फिर से कितना जोड़ा भैया मैंने, 32 86, फिर से 32 जोड़ा इसमें, अरे मुझे एलिमेंट का सिंबल भी नहीं याद ना, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो भैया अपने एटॉमिक नंबर से मतलब है ना, 86 और 32 कितने होते हैं भैया, 118, इसका मतलब भैया सही आंसर कौन सा है मेरे दोस्त, हेलोजन फैमिली, 17वां जो एलिमेंट होगा भैया 117 एलिमेंट, वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो ये है चुटकियों में इसका आंसर सॉल्व होके, ठीक है। तो कनीस फातिमा जी, जो भी आपने आपने जो ट्रिक लगाई वो भी बिल्कुल सही है, आपने 17 ग्रुप से पिक किया है, हमने 18 ग्रुप से बच्चों को समझाया है, ठीक है। जल्दी से भैया सभी लोग कमेंट करके बताएं, समझ में आ रही है बात आप लोगों के, जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं,
ठीक है, डन 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 डन, ओके चलिएगा भैया। अगला क्वेश्चन, ओहो गुच्छा गुच्छा, ठीक है ये है भैया आपका एएमयू बीटेक 2010 का एक क्वेश्चन, एएमयू बीटेक 2010 का एक क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाईएस्ट आयनिक रेडियस, इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है भैया जिसमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा है उसकी, ठीक है, और आयनिक रेडियाई भी सबसे ज्यादा है। जल्दी से बताएं भैया आप लोग कमेंट कर कौन सा ऑप्शन में दो सही होने वाला है इनमें से, ठीक है। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है और आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त, ठीक है, वो कौन सा जोड़ा है। तो पहले वाले की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, दूसरे वाले की आयनिक रेडियस ज्यादा हो, तो क्या करेंगे सर हम इसके लिए, देखिएगा हम लोग ट्रिक लगाते हैं। हमने आपको सिखाया है भैया पढ़ाते वक्त कि जिसकी रेडियस छोटी उसकी भैया हाइड्रेशन का प्रोसेस भी ज्यादा और हाइड्रेशन का प्रोसेस ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भैया उस केस में ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेशन प्रोसेस ज्यादा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है भैया, सबसे छोटा है लिथियम, सबसे छोटा है इनमें से लिथियम, क्योंकि सबसे छोटा लिथियम इसलिए टॉप टू बॉटम ग्रुप साइज बढ़ता है तो लिथियम सबसे ऊपर रखा होता है, इसका मतलब ऑप्शन तो भैया बी सही है, बट आप समझने की कोशिश करो, ठीक है जोड़ा हमें देखना है, ओके। अब आप ये मत सोचिएगा, देखो भाई आप ये सोचो इन चारों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, लिथियम की। अब लिथियम सोडियम और रुबिडियम साइज किसका सबसे ज्यादा होता है, टॉप टू बॉटम ना ग्रुप, ठीक है, हेली ना की रब से फरियाद, तो भैया जो आरबी है रुबिडियम है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके है बात, यही तो होता है क्रम सही, हेली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो रेडियस किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी है, क्यों, अब कंपेयर तो देखो ना भाई, कंपेयर किसमें कर रहा है मेरे दोस्त, इसी में तो कंपेयर कर रहा है, इसमें 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 इसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, रुबिडियम की रुबिडियम की रुबिडियम की, ठीक है ओके साहब, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगली बात पे, ये देखो 2014 एएमयू बीटेक में क्वेश्चन पूछा गया, हूबहू एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्लास 11 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल का भैया प्रॉब्लम है ये, जो पिंक कलर के बॉक्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो कह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन आर, ठीक है सर ये आपको दे रखी है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी क्लोजर टू, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी किसके आसपास होने वाली है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करें इसको, वीडियो पॉज करें और देखें भैया, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल रेडियस भैया घटती है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मेरे दोस्त, इंक्रीज करती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रेडियस घटती है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। जरा देखो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, सही बात है, लेकिन इसमें ना एक छोटू सा एरर होता है भैया, यहाँ पर यहाँ एक्सेप्शन होता है भैया, एक्सेप्शन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ जाती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम के मुकाबले में, मैग्नीशियम के मुकाबले में, क्यों, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन इन मैग्नीशियम, ये भैया इसमें क्या हो जाता है एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो इसका मतलब जरा सोडियम की कितनी है 496, मैग्नीशियम की कितनी है 737 और 786, इसका मतलब एल्यूमिनियम की भैया मैग्नीशियम से तो कम होने वाली है ना, तो मैग्नीशियम से कम होगी तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो मैग्नीशियम से कम कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में देखो भैया आप सोडियम से भी कम कर दोगे ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन सही कौन सा है भैया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 575 होगा इसका, ठीक है सही वाला आंसर, ओके मेरे दोस्त बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है एएमयू बीटेक 2014 का ये क्वेश्चन, ठीक है अब देखो इसको बताओ भैया आप लोग सोच समझ के, ठीक है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़े यहाँ नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं क्वेश्चन को, एएमयू बीटेक 2020 का है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इनमें से किस प्रक्रिया में से किस प्रोसेस में भैया एनर्जी रिलीज होगी, ठीक
ठीक है, हिंदी में अगर आप पूछना चाहें तो ऊष्मा किसमें से भैया रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। पहला है कोई भी एलिमेंट है सॉलिड स्टेट से गैसियस पहुंचेगा, तो क्या इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। ओ माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन भैया क्या करा और एक्सेप्ट करा, ओ माइनस टू बनाया, तो क्या इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी भैया, रिलीज होगी। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब, और भैया ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब, या ओ माइनस ने गेन किया था या ओ ने, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें भैया एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भैया नीट के अंदर भी देखने को मिला हुआ है, ठीक है, नीट में भी इसके जैसा एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग सोचें, मैं एक मिनट में अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूं भैया। चलिएगा, बढ़ते हैं हम लोग अगली बात की तरफ। देखो साहब, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कहना चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो साहब, सोचो, मैंने आपको एक ट्रिक टेक्निक होती है भैया, जब जब स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी भैया क्या होती है, रिलीज होती है। ये भैया आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता रहा हूं। और जब जब स्टेबिलिटी घटती है भैया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब आपको एब्जॉर्ब का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सप्लाई करनी पड़ती है उस प्रोसेस में, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, मिलती नहीं है आपको, ठीक है। दो परिवार मिलने जा रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है भैया, संबंध बढ़िया हो रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है और पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है भैया, समझिएगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, दो परिवार मिल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हो रहे हैं भैया, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी रिलीज होगी, मनी भाई रिलीज होता है ना। सुनो, पहला ऑप्शन देखो सर, सॉलिड से गैस, सॉलिड है पार्टिकल पास पास होते हैं। अब एक बात सोच के समझ के बताओ मुझे, इनको आपको दूर दूर करना है गैसीय स्टेट में, तो एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी, मतलब एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। सोचो, मुझे इनको दूर दूर करना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, खर्चा होगा मेरा, या मुझे रिलीज मिलेगी एनर्जी इस प्रोसेस में, जल्दी बताओ कमेंट करके। इस प्रोसेस में क्या होगा भैया, जल्दी से बोलिए, क्या मैं इसको दूर दूर करूंगा तो ताकत ही तो लगेगी इसको दूर करने में, तो इसका मतलब इसमें तो भैया एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज तो नहीं होने वाली, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है मेरा सही, ताकत लगेगी इस काम में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आप जिसे कहते हैं भैया, ये वही है, छोटे छोटे एटम बनाना, सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में पहुंचाना। सब्लिमेशन भी है भैया, भाई सीधे आप सॉलिड से कहां पहुंचे, गैस में सब्लिमेशन भी है, ठीक है, तो छोटे छोटे एटम बनाना। अच्छा सर, अब देखो पहला सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन को आप देखो, सी ऑप्शन में क्या है, वैसे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं भैया, नॉन मेटल है, कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एटॉमिक नंबर 8, 2.6, उसे तो इलेक्ट्रॉन की भूख चाहिए, और तुम उससे इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल रहे हो, तुम उससे इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल रहे हो, सही बात है, और 2.5 बना रहे हो भैया, आसानी से नहीं छोड़ेगा, आसानी से मुश्किल से छोड़ेगा, खींच के निकालने में ताकत लगेगी, और लगेगी का मतलब सप्लाई करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन भी गलत है भैया, सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है भैया, सी ऑप्शन भी गलत है मेरे दोस्त। अब आते हैं हम लोग इस पे, डी ऑप्शन पे, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। अब सर बचे हैं हमारे पास दो ऑप्शन, ठीक है ना, हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक है बी और एक है डी, ठीक है। अब पहले उठाते हैं हम लोग डी को, तो ऑक्सीजन ने एटॉमिक नंबर 8 था, 2.6, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करा और बनाया ओ माइनस, ये कितना होगा 2.7, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है और भैया एनर्जी रिलीज होगी, जिसे आप पढ़ते हैं कि साइन माइनस आता है भैया, सिंपल सी बात है, एनर्जी रिलीज होती है, साइन माइनस होता है भैया, एब्जॉर्ब होती है, इस केस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है भैया, एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ठीक है भैया, देख लो मैं आपको बताता हूं, ओ माइनस से आपने एक और इलेक्ट्रॉन भैया क्या करा, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गई मुझसे, मैंने गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुकना भैया, नहीं गड़बड़ इसमें सही है, ओ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ओ माइनस बनाया, सही है, सही तो था, क्या दिक्कत है भैया, ओ माइनस बनाया, ओ माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ओ माइनस का 2 बनाया, इस प्रोसेस में भैया आप सोच रहे होंगे सर स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, 2.7 था ना सर, सही है,
2.7 था, यहाँ 2.8 हो गया, स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है सर। नहीं भैया, आप उसके बाहरी आवरण से मत देखो मेरे दोस्त, इस प्रोसेस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। क्यों? उस पर एक नेगेटिव चार्ज है और तुम एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और बुला के ला रहे हो। क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं करेगा मेरे दोस्त, रिपल्शन होगा। यहाँ कैसे कर लिया सर? भैया न्यूट्रल एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हो आप, ये न्यूट्रल है तो इसको इलेक्ट्रॉन जब गेन करा रहे हो कर लेगा इलेक्ट्रॉन गेन, चाहता है ना, नॉन मेटल है, और तुम इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, रिपल्शन, रिपल्शन होगा, नहीं मानेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। साइन प्लस में आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मेरे दोस्त, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसी हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त? बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आई आप लोगों के? भैया जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट, ठीक है, ओके है बात? तो सी वाला ऑप्शन है जिसमें एनर्जी भैया क्या होगी, रिलीज होगी, बाकी सब में एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है। और ये क्वेश्चन तो हमने नोट्स के अंदर भी करा रखा है अपने, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी लगवा रखा है क्योंकि बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया भैया क्वेश्चन, नोट्स के अंदर है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन एज बिलो रेस्पेक्टिवली, इफ बी इज अ नोबल गैस चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं आपको लिखकर भी दिखाता हूं, यहां पर चार एलिमेंट है भैया, ए बी सी डी, सही है। उसने कहा एटॉमिक नंबर ए का कितना है जेड माइनस वन, बी का कितना है सर जेड, ठीक है, और जेड प्लस वन, जेड प्लस टू, ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब वो कह रहा है इफ बी इज अ नोबल गैस, बी क्या है भैया नोबल गैस, ये एक नोबल गैस है, बी इज अ नोबल गैस। अब कौन सा ऑप्शन में से सही है ये आपको चुनना है, ये तीन आंसर इसके लिए तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है, ये आपको भैया करना है जी। कनी इस बात में आप सही करें, बताएं भैया इसमें से, एक मिनट, आप कुछ और कहना चाहते हैं भैया, एक मिनट बच्चे हमारे, अच्छा 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 सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ओके, आप ये कहना चाहते हैं, ओके मैंने ना मैं समझ गया, ओके ओके, ये वाला कौन है भैया, ये वाला ऑप्शन कौन सा था, ये सी ऑप्शन था, सॉरी सॉरी, ये सी ऑप्शन था, ओके मुझसे टिक गलत लग गया है, डी ऑप्शन, अच्छा आप ये कह रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं भैया, ओके आए हैं, ओके ओके ओके, ये डी ऑप्शन है भैया, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है भैया, कोई बात नहीं। अब आप देख रहे हो तीन चार जगह चल रही है वीडियो, तो उस वजह से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करने में भैया एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरे को गेन करने में भैया क्या होती है, एनर्जी सप्लाई होती है, तो ऑप्शन इज करेक्ट है भैया, कौन सा वाला, ये वाला, ओके कोई बात नहीं, ठीक है डी ऑप्शन अब सही है भैया, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त, यही कह रहे थे आप, ओके हमने अब सही कर दिया ऑप्शन डी, कोई बात नहीं, ठीक है चलो अब सही है मेरे दोस्त, तो ठीक है। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, नोबल गैस दे रखा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है ये आपने बताना है, ठीक है चलो भैया। अब आप लोग बताएं, तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं भैया। अब आप पहले क्या करो, इनको लिख लिया, उसने कहा बी इसमें से नोबल गैस है, किसी को भी मान लो आप, ठीक है भैया बी आप मान लो एक नोबल गैस, मान लो कोई सी, मान ली, मान लो आप नियॉन मान लो, ठीक है नियॉन मान ली, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 10, ये कितना हो गया जेड माइनस वन मतलब 9 हो गया, ये कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 12, इसका मतलब ये फ्लोरीन, ये भैया नियॉन, और ये आपका सोडियम, और ये आपका
मैग्नीशियम, इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया सभी को। अब वो क्या कह रहा है आपसे, अब वो ये कह रहा है आपसे, भैया चेक करो, ए हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई है क्या? ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हाई है, हाँ सही बात है भैया, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हाई होगी होगी, इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सी एग्जिस्ट इन प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट, नहीं भैया हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर भैया क्या करते हैं, प्लस वन ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर भैया 11, 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सही है मेरे दोस्त। ठीक है भैया, तो ये प्लस वन रखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट भैया गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब सर तीसरे वाले पे, डी इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाँ भैया देखो मैग्नीशियम इज अ सेकंड ग्रुप एलिमेंट, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तो भैया तौहीद का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, और मोहित का भी आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है, कनीस फातिमा आपका भी आंसर सही है भैया, ठीक है, और सबसे तेज जवाब था आप लोगों का, बाकी लोग भी भैया आंसर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट भैया, पहला और तीसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, एएमयू बीटेक 2020 का है ये क्वेश्चन मेरे दोस्त। ठीक है, अगले पर आते हैं भैया, ये क्वेश्चन है एएमयू बीटेक 2021 का मेरे दोस्त, एएमयू बीटेक 2021 का है ये क्वेश्चन, ये आपने बताना है भैया, ठीक है, ठीक है, ओके साहब, वेरी गुड बात। अब देखो वो कह रहा है अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 16 डाउन द ग्रुप इंप्लाइज, ठीक है, अगर 16 ग्रुप एलिमेंट में अगर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, क्यों घट रही है, क्या भैया एटॉमिक साइज घट रहा है इस वजह से, क्या आयनाइज एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं इस वजह से, क्या मेटलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं इस वजह से, या नन ऑफ दी एबव, ये आपको सोचना है, समझना है, आंसर देना है। तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, देखो आप भैया बात को, अगर आप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देखेंगे तो वो कहना चाहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, ओके चलो, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रेडियस भैया बढ़ती है, ये एक काम करते हैं सिंपल वे में उठाते हैं, ये लेफ्ट टू राइट और ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होती है भैया, इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करती है, और ये क्या कह रहा है डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ये नहीं ऑप्शन सी, ठीक है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइज एनर्जी इंक्रीज करती है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ओके सोचेंगे इस बारे में, इंक्रीज आयनाइज एनर्जी, ठीक है, क्या सही बात है ये बताओ भैया, नहीं ना, ओके चलो, लेफ्ट राइट आयनाइज एनर्जी भैया क्या होती है, इंक्रीज करती है मेरे दोस्त, टॉप टू बॉटम आयनाइज एनर्जी डिक्रीज करती है, वो क्या कह रहा है आयनाइज एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है भाई, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइज एनर्जी घटती है, लेफ्ट राइट बढ़ती है, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला कह रहा है इंक्रीज इन मेटलिक करेक्टर, इधर की तरफ भैया मेटल और इधर है नॉन मेटल, लेफ्ट टू राइट मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, घटती है, टॉप टू बॉटम मेटलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, ओके यही ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ओके है बात मेरे दोस्त, ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग भैया हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप कंटेंट देख पा रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन किया हुआ सटीक बिल्कुल, और आप उसका आंसर दे पा रहे हैं धुआं धुआं, ठीक है ना भैया, तो जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा है, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं भैया, ओके, और नहीं तो हम लोग यूट्यूब पर काफी कंटेंट अवेलेबल कराते रहते हैं, आप यूट्यूब से भी जुड़े रहते हैं हम लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कुछ भला हो जाए इन फ्यूचर इस वीडियो पर आके कमेंट कर दीजिएगा, सर आपकी कुछ वीडियो से हमें हेल्प मिली थी और हमारा सिलेक्शन में योगदान रहा आपके वजह से, तो भैया अच्छा लगता है, कुछ काम किया आपके लिए अच्छा लगता है। अगला भैया एएमयू बीटेक 2022 का है ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है, तो चलिएगा भैया शुरू करते हैं कहानी को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, जो इनके आगे प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड हैं भैया उनके हिसाब से कौन सा ऑर्डर करेक्ट सही नहीं है, कौन सा ऑर्डर करेक्ट सही नहीं है, ठीक है,
अब आते हैं हम लोग अगली बात पर, ठीक है। तो भैया मोहित कुमार का आंसर आ चुका है सबसे तेज मेरे दोस्त, है ना। अब आप देख तो लो हो कि जल्दबाजी का काम भी थोड़ा सा सही नहीं होता, पहले ये तो देखो कि हम लोग जो आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन सोच समझ लो पहले आंसर देने से पहले, है ना। आओ भैया, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं भैया, पहले इनमें से कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, सही नहीं है वो ये पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, इनके आगे जो प्रॉपर्टी लिखी है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है वो उसने, कौन सा सही नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले, मैंने आपसे सिखाया है कि जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तब तब रेडियस भैया घटती है, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस, फिर उससे ज्यादा रेडियस, उससे ज्यादा रेडियस, ये ऑर्डर सही है। और नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नेगेटिव वाले केस में भैया रेडियस, भैया जितना नेगेटिव का चार्ज ज्यादा होता है उतनी रेडियस मेरे दोस्त ज्यादा होती है। तो देखो पहले पॉजिटिव का क्रम, पहले तो पॉजिटिव आयन लगती है कैटायन, फिर न्यूट्रल एटम, फिर एनायन, उसका सही क्रम क्या होता है, ट्रिक एंड टेक्निक। पहले भैया जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उतनी छोटी रेडियस, तो प्लस थ्री, फिर प्लस टू, फिर प्लस वन, फिर एफ नेगेटिव, ये ऑर्डर तो सही है, ये ऑर्डर तो सही है, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। तो ये तो भैया सही ऑर्डर है, हमें तो गलत चाहिए ना, गलत कौन है इनमें ढूंढ लेंगे। अब देखो मैं लाता हूं इसको, ठीक है, मैं लाता हूं इसको। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम है ना ग्रुप जाने पर, और लेफ्ट टू राइट है ना ग्रुप जाने पर, भैया क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें भैया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है भैया, बढ़ती है, जबकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भैया क्या होती है, घटती है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिया था इस पर, इस सब बात को समझिएगा। तो कायदे से क्या होना चाहिए सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सही बात है, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो देखो रिपीट किया नहीं किया क्वेश्चन, यही एनालिसिस चाहिए आपको कि कहां से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन पाया जाता है, क्लोरीन की ज्यादा होती है, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो देखो सबसे ज्यादा क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो गलत ढूंढना है भैया, हमें तो गलत ढूंढना है। अब अगला देखो, टॉप टू बॉटम ग्रुप जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है, लिथियम से ज्यादा सोडियम, से ज्यादा पोटेशियम, से ज्यादा रुबिडियम, ये ऑप्शन भी सही है भैया, ये ऑप्शन भी सही है। अब लास्ट ही बचा भैया, जो गलत होना बाकी बचा हुआ है, कोई बात नहीं है भैया, लास्ट ही ऑप्शन बचा हुआ है मेरे दोस्त, इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी भैया इंक्रीज करती है, ठीक है, बोरोन से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा नाइट्रोजन, से ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन यहाँ पाया जाता है, बोरोन से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा नाइट्रोजन, ये सही क्रम होता है, यही ऑप्शन है जो भैया गलत है। इस बार का आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आपकी पर्सनल आंखों के सामने, डिंग 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 डिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भैया हम लोग करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये है भैया एएमयू बीएससी 2021 का है क्वेश्चन, Which of the following electronic configuration of an atom has the lowest ionization enthalpy? ठीक है, इनमें से किसकी ionization enthalpy भैया सबसे lowest है, सबसे कम है मेरे दोस्त, ये मुझे बताना है। सीधा सिद्धांत है, देखो दो दो चार और दो छह कितने हो गए भैया, दस, एटॉमिक नंबर दस किसका होता है, एटॉमिक नंबर दस होता है नियोन का, दो दो चार और दो छह और पांच भैया नौ, फ्लोरीन हो गया, दो दो चार और तीन भैया सात, नाइट्रोजन, दो दो चार और भैया ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, ये 3s1 है, ओके। टोटल कितना हो गया था यहाँ भैया, टोटल हो गया 11, और 11 होता है किसका, सोडियम का, 11 किसका होता है, सोडियम का। सबको पता है लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनाइज एनर्जी भैया क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो सबसे इधर कौन रखा है, सोडियम, सोडियम की आयनाइज एनर्जी सबसे कम होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है,
सोडियम ही सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होता है, ठीक है, ओके है बात। तो सबसे उसने पूछा था लोएस्ट आयनाइज एनर्जी, सोडियम की सबसे कम होगी भैया, सबसे आसानी से कौन छोड़ देगा भैया, ये सब नॉन मेटल है, ये तो देखो ये नॉन मेटल है और ये इनर्ट गैस है, ये इकलौता मेटल, मेटल की आयनाइज एनर्जी लो होती है, ठीक है, एमबीबीएससी 2021 का ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है। अगले को देखो, एमयूबीएससी पैरामेडिकल 2021 का है क्वेश्चन, एमयूबीएससी पैरामेडिकल 2021 का है क्वेश्चन, वो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन है भैया, उनका रेडियस का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सीधी ट्रिक है सर इसकी, पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा उसकी रेडियस उतनी कम, ठीक है। तो पहले कैटाइन का नंबर आता है, फिर उसके बाद भैया उससे ज्यादा साइज किसका होता है न्यूट्रल का, और फिर उससे ज्यादा साइज होता है एनायन का, एनायन के केस में क्या होता है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी रेडियस सबसे ज्यादा, ये इसकी ट्रिक होती है भैया, जितना नेगेटिव चार्ज उतनी रेडियस सबसे ज्यादा, जरा देखना नेगेटिव वाले की रेडियस, उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद कैटाइन, तो सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है भैया, यही वाला सही है, ठीक है, यही वाला सही है, क्योंकि नेगेटिव फिर न्यूट्रल, अब इन दोनों में देखो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस कम, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियस कम, ठीक है। तो एमयूबीएससी पैरामेडिकल का है क्वेश्चन 2021 का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमयूबीएससी नर्सिंग 2016 का है ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, 16 का डोला, द हाइएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इज शोन बाई, इनमें से किसने हाइएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को शो किया, सीधा सिद्धांत है भैया, लेफ्ट टू राइट चलने पर, एक क्वेश्चन अभी शुरू में कराया था मैंने बीटेक के 2001 में, लेफ्ट टू राइट चलने पर इधर भैया मेटल इधर नॉन मेटल, सबसे अच्छा जो नॉन मेटल होगा उसकी एसिडिक नेचर सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, ये हमें बीटेक 2001 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही एनालिसिस हमें बतानी पड़ती है, देखो कहां क्वेश्चन कब रिपीट कर रहा है किधर से, क्योंकि आप क्या है देखो आप पढ़ोगे सिर्फ एक एग्जाम के लिए, चाहे आप नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं पैरामेडिकल के लिए, हम लोग सभी एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, तो उसको बताते हैं देख भाई ये ऑप्शन यहाँ से आया ये ऑप्शन यहाँ से आया, इतने सब क्वेश्चन लगाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा तो भैया कब सिलेक्शन होगा फिर। अगला एमयूबीएससी पैरामेडिकल 2019 का है क्वेश्चन, विच हैज द स्मॉलेस्ट रेडियाई ऑफ द आयन अमंग गैस द फॉलोइंग, इन सब में से भैया क्या है सबसे छोटी रेडियस किसकी होने वाली है, ये आपने बताना है सबसे छोटी रेडियस किसकी होने वाली है, ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल 2019 का है ये क्वेश्चन, ठीक है, सीधा सा फंडा है भैया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, और नहीं तो मैं बताता हूं भैया इनमें से किसकी रेडियस सबसे छोटी है, और ध्यान रखना मैंने कहा था आयन वाले केस में आपने कंसेप्ट क्या लगाना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज उतनी रेडियस छोटी, ठीक है। तो पहले कैटाइन का नंबर आता है, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर एनायन का, तो कैटाइन वाले केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे, बेरिलियम पे भैया, आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मैंने कहा था आप यहाँ आयन की रेडियस चेक कर रहे हैं, और आयन में भी खास बात क्या है, आयन में भी खास बात क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीन होता है एटॉमिक नंबर, तीन में से एक इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना बचे, दो, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर चार में चले गए दो, तो दो इलेक्ट्रॉन बचे भैया, जब आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज के लिए हम लोग रेडियस का कंसेप्ट लगाते हैं तो ये लगाते हैं आइसोइलेक्ट्रिक के लिए, ओके बात, आइसोइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। अगले पे आते हैं भैया, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर मेनली, जो भैया अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस तरह के होते हैं, बीएससी पैरामेडिकल 2017 का है ये क्वेश्चन, बेसिक एसिडिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक, बेसिक मतलब क्षारीय, एसिडिक मतलब अम्लीय, न्यूट्रल मतलब उदासीन, और एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, उभयधर्मी, ठीक है भैया। और ऑप्शन भैया नॉन मेटल के कैसे होते हैं, नॉन मेटल के होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और मेटल के कैसे होते हैं भैया, बेसिक इन नेचर, ठीक है।
बेसिक इन नेचर। ओके है बात। अगला भैया देखो, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल 2017 का है ये क्वेश्चन, ठीक है भैया 2017 का है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये मुझे बताना है। इसका थोड़ा सा रिप्लाई यहाँ से मिलता है भैया, थोड़ा सा रिप्लाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलता है हमें देखने को, ठीक है। और बेसिक फंडा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो इधर वाले भैया मेटल होते हैं कौन से, फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है भैया। कैल्शियम इधर रखा होता है, आयरन इधर रखा होता है, कॉपर इधर रखा होता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी कुछ यही होता है अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो। सीधा सिद्धांत है, पहली बात तो कैल्शियम इसका सही ऑप्शन है क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये ऑप्शन इसका सही है। हर एक का याद करने का तरीका अपना होता है भैया। क न का में अल जन फैशन लेड है क्योंकि मर्क्यूरी आगे आई, हम इसको कहाँ सीखते हैं, हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। बट ये टेंथ की भैया क्या है, मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेरे दोस्त। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया आपका क्या, ये देखो कैल्शियम हो गया ऊपर रखा हुआ है, तो क ना का में अल्जन फैशन लेड है क्योंकि मर्क्यूरी आगे आई, ठीक है सब ओके है बात। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आया भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड इन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज करेक्ट, इनमें से सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो उसका सही क्रम क्या होने वाला है भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। देखो अभी एमई बीटेक 2022 में था ये क्वेश्चन, अभी आपके सामने आ गया, ऐसे होती है बात। तो अब अगर मान लो आप तैयारी कर रहे होते एमई बीटेक की, मैंने आपको क्वेश्चन 2013 का पैरामेडिकल का पहले पढ़ाया और वही क्वेश्चन आ गया भैया रिपीट होकर कहां पर 2022 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की एनालिसिस लगा पाना दैट इज अ भैया मुद्दा, दैट इज अ मुद्दा, ये है टेक्निकल टास्क। आप एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते ना, आप सारी चीजें नहीं कर सकते, उसके लिए आपको भैया जरूरत है किसी गाइडेंस की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सही है, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन से ज्यादा भैया कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। अब इसमें सर एक्सेप्शन पाए जाते हैं, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फिगेशन और यहाँ पाया जाता है हाफ फिल्ड कॉन्फिगेशन। इसमें क्या हो जाता है, ये भैया बोरॉन पीछे खिसक के आ जाता है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, फिर कार्बन और ऑक्सीजन पीछे खिसक के आ जाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। इस वाले में क्या रीजन लगता है सर, इस वाले में रीजन लगता है मेरे दोस्त यहाँ पे बेरिलियम की फुली फिल्ड कॉन्फिगेशन, और यहाँ रीजन क्या लगता है नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड कॉन्फिगेशन, नाइट्रोजन की हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है ओके है मेरे दोस्त। तो बेरिलियम के केस में क्या था हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फिगेशन, और नाइट्रोजन के केस में क्या था हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है ओके है बात। तो देखिएगा भैया जरा कौन सा ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन से कम कार्बन से कम बेरिलियम से कम बोरॉन से कम लिथियम, ठीक है सर ओके है बात मेरे दोस्त, ओके है बात, ठीक है बढ़े हम लोग अगली बात की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, और लास्ट भैया दो क्वेश्चन और हमारे पास एएमयू बीएससी पैरामेडिकल के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, देख रहे हो एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन भैया, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, देख लो आपके नजरों के सामने, क्लोरीन 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 वाला ऑक्साइड, क्लोरीन ही है भाई, देखो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन और आर्सेनिक, इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है, नॉन मेटल, क्लोरीन सबसे अच्छा नॉन मेटल है, उसी का ऑक्साइड कौन सा है भैया, मोस्ट एसिडिक है मेरे दोस्त, उसी का ऑक्साइड कैसा है भैया, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। अगला बीएससी पैरामेडिकल भैया, बीएससी पैरामेडिकल 2010 का है ये क्वेश्चन,
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे आसान क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताएं भैया सभी लोग कमेंट करके, सबसे आसान क्वेश्चन कि इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और इसी के साथ भैया फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। और क्लोरीन क्या है भैया, क्लोरीन एक ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भैया हाई होती है, ध्यान रखना है इस चीज को, इसकी सबसे हाई होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है भैया। और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है फ्लोरीन की। तो इसी वीडियो के साथ मेरे दोस्त, आपने काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों के साथ किए, और इस वीडियो के साथ अगर आप भैया पूरे यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े रहे और आपको कुछ भी कंटेंट हमारा अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, और आप हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है भैया इस वीडियो से, तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ये कोचिंग का नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए भैया एएमयू के रिगार्डिंग, नॉट ओनली एएमयू, बीटेक या बीएससी और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको भैया कोई जानकारी चाहिए, तो आप कॉल कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं एएमयू बीएससी बीटेक के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं आप चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, ब्लैक कलर का लोगो है, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, ओके है बात मेरे दोस्त, ये आपका नंबर है कोचिंग पर, आप जुड़ सकते हैं। और फिर होगी मुलाकात किसी शानदार वीडियो के साथ, और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है, ओके।